दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी। मामला तुमसर तहसील के देवनारा घाट का। क्यों मौन है महसूल विभाग। भंडारा जिले के तुमसर तहसील की जीवनदायिनी कही जाने वाली बावनथड़ी नदी का सीना इन दिनों रेत माफियों द्वारा छलनी किया जा रहा है। नदी में अवैध रूप से उत्खनन से जहां शासन के लाखों रुपयों के राजस्व पर रोजाना डाका डाला जा रहा है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही नदी के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। मामला है तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम देवनारा का, जहां से बावनथड़ी नदी प्रवाहित होती है। इस नदी पर रेत माफिया द्वारा अवैध रूप से रेती घाट निर्माण कर दिन दहाड़े नदी से ढेरों ट्रैक्टर रेत अवैध रूप से उत्खनन कर नदी किनारे बेखौफ स्टॉक कर रात को जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रकों में लाद कर रेत तस्करी की जाती है। बार बार अवैध रेत उत्खनन पर आवाज उठाने पश्चात भी क्यों नहीं हो रही तहसीलदार द्वारा कार्रवाई। दहाड़े शासन की तिजोरी में डाल रहे रोजाना लाखों रुपयों का डाका। ज्ञात हो कि 2 माह पूर्व इसी रेत घाट से अवैध रेत उत्खनन का मामला बीएस क्राइम इंडिया न्यूज और आवाज भंडारा पत्रिका द्वारा उजागर किया गया, लेकिन ना ही तुमसर के तहसीलदार द्वारा कोई कार्रवाई की गई और ना ही स्थानीय तलाठी द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया। नतीजतन रेत माफिया द्वारा रोजाना सैकड़ों ब्रास रेती उत्खनन कर शासन के महसूल विभाग को लाखों रुपयों का चूना लगाना बदस्तूर जारी है। अब तो स्थानीय जनता में यह प्रश्न निर्माण हो रहा है कि कहीं इसमें तहसीलदार तलाठी की मिली भगत तो नहीं है, जिस कारण अवैध रेत उत्खनन का गोरख धंधा बेखौफ हो रहा है। सरकारी नुमाइंदों की मिली भगत होने का ग्रामीणों का आरोप। इस संबंध में बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के रिपोर्टर द्वारा तलाठी कार्यमोरे से संपर्क साधा गया तो उन्होंने टालम टोल जवाब देते हुए कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना किया और बताया कि उक्त स्थान पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज द्वारा रेत घाट स्थल का दौरा कर पाया गया कि अब भी देवनारा रेत घाट पर बेखौफ रेत उत्खनन जोरों से चालू है। आखिर सवाल ये बनता है कि किसकी शह पर रेत माफिया इतने निडर होकर अवैध रेत उत्खनन कर शासन की तिजोरी पर डाका डाल रहे हैं, लेकिन बीएस क्राइम इंडिया न्यूज इन माफिया से बेखौफ होकर ऐसे मामले सामने लाते रहेंगे।